क्यों आई हो और मुझसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी मुक्ति कराने आई हूँ। मेरे पास आने का कारण क्या है वो स्पष्ट बताइए। तुम्हारा और मेरा शत्रु एक है। मैं तुम्हें इस श्रापित क्षेत्र से अपनी मंत्र शक्ति से आकाश मार्ग द्वारा बाहर ले जाऊंगी। तारा, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अंजना, अंजना दाई कब आएगी? मैं अभी देखती हूँ। हाँ, महाराज बाली, आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। महाराज बाली, धैर्य रखिए। अंजना भाभी, तारा कैसी है? वो ठीक है, मैं तो ये पूछने आई हूँ कि दाई क्यों नहीं आई अभी तक। सुग्रीव कब से गया है दाई को लाने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया। हे भगवान, ये सुग्रीव पता नहीं कहाँ रह गया है। महाराज बाली, वो आ जाएंगे। किंतु जामवन जी, सुग्रीव को गए हुए बहुत समय हो गया है। अब तो मैं स्वयं ही जाकर दाई को देखता हूँ। महाराज बाली, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। सुग्रीव, इतना विलंब कहां कर दिया? दाई मां, आप अंदर जाकर देखिए। जी प्रणाम। नारायण नारायण, लगता है अब वो शुभ घड़ी आ ही रही है। प्रणाम ऋषिवर। क्या हुआ नारद जी, आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। प्रसन्नता की तो बात ही है गंधर्व कुमारों, आज धरती लोक पर वो पुण्य आत्मा जन्म लेने वाली है जिसे पितृ लोक से स्वयं हनुमान जी लेकर आए थे। ये पुण्य आत्मा बाली के पुत्र के रूप में प्रभु के बाल सखा बनेंगे। वो देखिए, प्रभु अपने बाल सखा की प्रतीक्षा में कैसे व्याकुल हो रहे हैं। नारायण नारायण। बाली काका, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हे प्रभु, तारा की रक्षा कीजिए प्रभु, तारा की रक्षा कीजिए प्रभु। We'll be right back.
नारायण नारायण। प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो प्रभु, नारायण नारायण। हनुमान, प्रिय हनुमान, प्रणाम प्रभु। आपने सेवक को स्मरण किया? हाँ हनुमान, परंतु तुम सेवक नहीं, हमारे मित्र हो। हमारे सारे कार्य तो तुम ही करते हो। आज अंगद का जन्म भी तुम्हारे कारण ही हुआ है हनुमान। इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु ये सब तो आपके ही प्रताप से हुआ है, आपको कोटि कोटि नमन। राजमाता, अब बताइए मुझे क्या करना है। मैं शीघ्र से शीघ्र उन वानरों को मारना चाहती हूँ, तहस नहस करना चाहती हूँ उस अंजन प्रदेश को, जिसने मेरे प्रेम, मेरे केसरी को मुझसे छीन लिया। इसके बाद केसरी सदा सदा के लिए मेरे हो जाएंगे। अंजन प्रदेश के नाश का अर्थ है केसरी का सर्वनाश। वे वानर समाप्त हुए तो केसरी अपने आप समाप्त हो जाएगा। राजमाता, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं उन दुष्ट वानरों का सर्वनाश कर सकूं। अवश्य मार्जारिका, मैं तुम्हें वे मायावी शक्तियां दिखाती हूँ जो अद्वितीय है। उनके सामने संसार का कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है। उनमें से तुम जिस शक्ति का भी प्रयोग करना चाहती हो ग्रहण कर सकती हो। सुना केसरी जी, किष्किंधा के युवराज पधारे हैं। हाँ, मैं एक पुत्र का पिता बन गया हूँ केसरी जी, पिता बन गया हूँ। बधाई हो महाराज बाली, बधाई हो आपको बहुत बहुत। हे प्रभु, आपने मेरी सुन ली, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ प्रभु, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज। दाइमा, मेरा मन अपने पुत्र से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है, क्या मैं अपने पुत्र को देख सकता हूँ? थोड़ा धीरज तो धरिए महाराज, राजकुमार को स्नान करा दे, उसके बाद आप उसे देख सकते हैं।
प्राणहीन था मेरा ये जीवन। किष्किंधा का ये महल सूना सूना लगता था, किंतु आज हमारे जीवन में प्राणों का संचार हुआ है। ये किष्किंधा का राजमहल बच्चे की किलकारियों से गूंज उठा है, मारुति गूंज उठा है। ये सब तुम्हारे कारण ही संभव हुआ है। तुम मेरे लिए भगवान हो, मैं तुम्हें नमन करता हूँ। काका, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, सब प्रभु की लीला है। आपसे अधिक प्रसन्न तो मैं हूँ। मेरा बाल सखा जो आया है उसके साथ तो मैं खूब खेलूंगा, कूदूंगा, आनंद मनाऊंगा और भी बहुत कुछ करूंगा। ये वे मायावी शक्तियां हैं जिन्हें हमने मंत्र से प्राप्त किया है। यज्ञ की अग्नि से पवित्र की गई ये महान शक्तियां महाविध्वंसकारी हैं और अचूक हैं। ये देखो मार्जरिका, ये है प्राणघातिनी शक्ति। इसका प्रहार जिस पर भी किया जाए उसके प्राण कोई नहीं बचा सकता। फिर वो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाकर क्यों ना छुप जाए। और मर्जारिका ये देखो, ये है कुलघातिनी शक्ति और ये है राज्य घातिनी शक्ति। इनके प्रयोग से शत्रु का सारा परिवार नष्ट हो जाता है और इसके प्रयोग से शत्रु का राज्य ही नष्ट हो जाता है। और मर्जारिका, ये है महाविनाशकारी शस्त्र। ये ऊर्जा के अणुओं से बना हुआ महाअणुशस्त्र है। इसके प्रयोग से सर्वनाश हो जाता है, महाविध्वंस हो जाता है। मर्जारिका, तुम किस शक्ति को ग्रहण करना चाहती हो?
महाराज बाली, ये लीजिए आपका सुपुत्र। मेरे साथ उन वानरों ने बहुत छल किया है, मेरे प्रेम को मुझसे दूर कर दिया। मैं उन सब का तो नाश करना ही चाहती हूँ, किंतु केसरी को मुझे पाना है, इसलिए मुझे मात्र ये प्राण घातनी शक्ति ही चाहिए। माता, ये क्या हुआ? यूं प्रतीत होता है मर्जारिका कि मायावी शक्ति धारण करने की तुम में योग्यता नहीं है। राजमाता, ये क्या कह रही हैं आप? फिर ये शक्ति मैं कैसे प्राप्त कर सकूंगी? चिंता न करो मर्जारिका, इसका भी उपाय है। मैं तुम्हें अपने मंत्र द्वारा पवित्र कर दूंगी और तुम्हारे अंदर मायावी शक्ति का संचार कर दूंगी, फिर तुम इन शक्तियों को धारण कर सकोगी। महाराज बाली, बधाई हो आपको। केसरी जी, हमें जो सुख मिला है ये सब आप सबका प्रेम और आशीर्वाद का ही फल है। किंतु जानता हूं ये तुम्हारे ही शुभ चरणों का परिणाम है, इसलिए इस पर सबसे पहला अधिकार तुम्हारा ही है। कितना सुंदर है, छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पाँव है, शीघ्र ही बड़े हो जाओ मेरे बाल सखा। गदा चलाना सिखाऊंगा। हे पुण्यात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे कहने पर बाली जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे अपने साथ रहने का अवसर दे रहे हैं। अब आपके पुण्यदायी सानिध्य के कारण मुझे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मैं धन्य हो गया प्रभु। प्राणघातिनी शक्ति आवाज, ओ फट फट स्वाहा।